जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 82 केंद्रों पर 23,469 लोगों को कोविड का टीकाकरण किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 17,674 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 5,795 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि 2 महिला स्पेशल बूथ, 2 अभिभावक स्पेशल बूथ तथा महिला जिला अस्पताल सहित एम्स मेडिकल कॉलेज नगर निगम के साथ साथ सभी CHC और PSC पर वैक्सीनेशन का कार्य किया गया। CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि जिले में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, सभी लोग अपना वैक्सीनेशन अवश्य करा लें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, हमारे जनपद में 82 जगहों पर टीकाकरण चल रहा है, जिसमें से 2 महिला स्पेशल बूथ चल रहा है, 2 अभिभावक स्पेशल बूथ चल रहा है, उसके साथ साथ हमारे जिला अस्पताल, महिला अस्पताल और BRD मेडिकल कॉलेज, एम्स के साथ साथ हमारे सभी CSC PSCs एवं अर्बन PSCs पर वैक्सीनेशन चल रहा है। सर आज का लक्ष्य क्या है? आज का लक्ष्य हमारा 20,000 है और कल हम 51,000 से ज़्यादा का वैक्सीनेशन किए हैं और आज भी हम काफ़ी मात्रा में वैक्सीनेशन करेंगे। सर जनता से क्या है? जनपद से हमारी अपील है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते रहें, मास्क जरूर लगाएं, भीड़ भाड़ से बिल्कुल बचें, क्योंकि कुछ प्रदेशों में कोरोना ग्राफ बढ़ रहा है और हमें भी सावधान रहना है, साथ साथ हमें सबको वैक्सीनेशन कराना है। वैक्सीनेशन पर काफ़ी भीड़ आ रही है, भीड़ में बिल्कुल ना आए और अपने समय की बारी का इंतज़ार करें। वैक्सीनेशन सबका होना है और समय से सबका हो जाएगा।